अफेयर का कमेटी का और जिन जिन लोगों ने उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ और रिक्वेस्ट तफसीली और मदलल गुफ्तगू हो चुकी है, इल्मी और तहकीकी गुफ्तगू भी हुई और दनेश कुमार जैसी जज्बाती गुफ्तगू भी हो गई है। और उन्होंने कहा कि मैं मज़ारों पे जाता हूँ, दरबारों पे जाता हूँ और पीरों के नजरानी भी देता हूँ, मुझे भी आप जरूर कुछ पेश करेंगे फिर। अब जनाब इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है और जो हदफ है और जो मौजू इन कॉन्फ्रेंसेस का है, हम इस्लामाबाद में, फिर पेशावर में, फिर लाहौर में, फिर कराची में, फिर अभी बलूचिस्तान पहुँचे हैं, तो खैबर और रावी और मेहरान और बुलान, पूरे पाकिस्तान को हमने एक पैगाम देने की एक कोशिश की है। और मौजू जो बनाया है गुफ्त शुनीद, इसका एक कलीदी किरदार है अमन के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए। गुफ्त शुनीद फारसी का लफ्ज़ है, गुफ्त का माने है कहना और शुनीद का माने है सुनना। मतलब है कि हम जब बातें कहनी वाली बातें हों तो उनको कहेंगे और जो सुननी वाली बातें हों उनको सुनेंगे। अगर आप कहीं अनकहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, और अगर आप सुनी अनसुनी करेंगे तो फिर भी बात नहीं बनेगी। तो इसलिए मामलात के हल के लिए और एक दूसरे के मौकिफ को सुनने के लिए मिल बैठना और एक दूसरे के मौकिफ को, फिक्र को सुनना और सुन के फिर बर्दाश्त करना, और बतौर ख़ास बर्दाश्त का जो काम है ये अक्सरियत का होता है कि अक्सरियत अगर कोई बात ऐसी हो जाए तो जो मेजॉरिटी में है, जो अक्सरियत में है, वो तहम्मुल रखे, वो बर्दाश्त के साथ उन बातों को सुने, और अगर वो रद्दअमल दिखाता है या रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन इंसानी हो, अख्लाकी हो और माकूल तरीके से हो। हमारा हदफ यही है कि हम बैठ के खाओ मुसलमान हैं, खाओ मसीही हैं, खाओ हिंदू हैं, खाओ सिख हैं, खाओ पारसी है, खाओ भाई है, सब जितनी हम कोशिश कर रहे हैं कि अकलियत की लफ्ज़ को कम से कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुसलमान और नॉन मुस्लिम सब मिल बैठकर, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हम सब पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान हम सब का है, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और इस मुल्क को बनाने के लिए और इस मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान अगर मदीना मुनव्वरा की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पर बना हुआ पहला मुल्क है खित्ते अर्ज़ पर, तो वहाँ पर अकलियतों को, दीगर मजाहिब को कैसे कबूल किया जाता है और कैसी पज़ीराई मिलती है। में उभर कर सामने आई है, ये किसी एक नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया में ये बहस